शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस्मत की लकीरों से में सब लोग साथ में बैठे हैं तो मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूं। आपने हमें ये जानने की कोशिश भी नहीं की ना कि वहां पे असल में आखिर हुआ क्या था। भी पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो, जिस बहन के लिए तुमने अपनी जान दांव पे लगा दी उसने तुम्हें शुक्रिया तक नहीं बोला। अब भाई मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है कि कीर्ति ने मुझे कुछ नहीं कहा। ये परेशानी पूरे परिवार की थी और अब जब सब खुश हैं तो मेरी संतुष्टि भी इसी में है। तुम्हें मेरी बातों का भी बुरा नहीं लगता? मेरा मतलब है कि कुछ दिनों से मैंने तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी से बात की। मैं जानती हूँ कि आप ये सब कुछ बेवजह नहीं कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि क्या बात है अभय, अगर मैंने कोई गलती कर दी है तो मुझे बताइए ना, मैं आपके सवालों के उलझनों को सुलझाना चाहती हूँ। मेरे मन में कुछ सवाल है श्रद्धा, और मैं उन सारे सवालों का जवाब देना चाहती हूँ। आज नहीं, कल जब सब मंदिर चले जाएंगे तब हम बात करेंगे। खास बात के लिए खास माहौल चाहिए होता है। कल मैं दिल खोल के सारी बातें करूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है, मैं कल का इंतजार करूंगी। कल सब ठीक हो जाएगा। हाँ अभय, मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे बीच सब ठीक रहे। अगर इन दोनों ने खुल के बात कर ली तो मेरे प्लान का क्या? इतनी मुश्किल से शक का बीज डाला इन दोनों के बीच। नहीं, मेरे रहते इनकी ये दूरियां कभी कम नहीं हो सकती। हेलो। हेलो वरुण जी, हमें ना बहुत अच्छा काम मिला है मॉडलिंग का। उसमें 1,00,000 रुपए मिलेंगे और उस ब्यूटी ब्रांड के साथ हम जुड़ जाएंगे। ब्यूटी ब्रांड? कीर्ति ये सब? वरुण जी पहले आप हमारी पूरी बात सुनिए। बहुत अच्छा काम है और उस ब्रांड की ना मैं अकेली मॉडल रहूंगी। इतना नाम होगा हमारा सुंदर सा चेहरा हर जगह छप जाएगा। एक बार मना कर दिया ना कीर्ति, अब ध्यान से सुन लो, ऐसी कोई बेवकूफी तुम नहीं करोगी, समझी? पर क्यों नहीं करें हम वरुण जी? हेलो बिना वजह बताए और बिना हमारी पूरी बात सुने हुए वरुण जी ने फोन कैसे कर? हम जब भी कुछ करना चाहते सब हमें सिर्फ ना ही कहते, जैसे हमारी जिंदगी पे ना हमारा कोई हक ही नहीं है। मैडम कल की फोटोशूट की पूरी तैयारी हो गई है, एड्रेस और टाइम हम आपको भेज रहे हैं, आपका इंतजार रहेगा। कैसे जाएं हम, वरुण जी ने तो मना कर दिया, कुछ ना कुछ तो करना होगा। कल श्रद्धा से साफ साफ सारी बातें ही कर लूंगा, हमारे बीच कोई तनाव नहीं रहना चाहिए, फिर सब ठीक हो जाएगा।
इतनी रात को पत्थर कौन फेंक रहा? जानता हूं घर में मुश्किल हो रही होगी, लेकिन मेरा फोन तो उठा लो एक बार, एक बार मुझसे बात करो, कल मुझसे मिलने आ जाओ, मैं इंतजार करूंगा। जानता हूँ घर में मुश्किल हो रही होगी, लेकिन मेरा फोन तो उठा लो एक बार मुझसे बात करो, कल मुझसे मिलने आ जाओ, मैं इंतजार करूंगा। जानता हूँ घर में मुश्किल हो रही होगी, लेकिन मेरा फोन तो उठा लो एक बार मुझसे बात तो कर लो, कल मुझसे मिलने आ जाओ, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। ये चिट्ठी यहाँ पर किसने डाली? अभय, ये चिट्ठी यहाँ पर किसने डाली? कौन है ये? मुझे क्या पता, तुम्हें फोन आ रहे हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला मुझे कोई फोन क्यों करेगा, और मुझे तो कोई फोन आया भी नहीं है। लीजिए, मेरा फोन आप खुद ही देख लीजिए। ये चिट्ठी यहाँ पर किसने डाली? होगा कोई। श्रद्धा जी, मम्मी जी, मैं बस अभी मम्मी जी से मिलकर आती हूँ। अजीब है यार, अगर श्रद्धा को इस चिट्ठी के बारे में पता होता तो मुझसे थोड़ी ना पूछती यार। ये सवाल है कि खत्म ही नहीं हो रहे। मुझे किसी भी कीमत पे शाम तक इस किस्से को खत्म करना ही होगा। आज शाम को नहीं, आज मैं कुणाल से नहीं मिल सकती, क्योंकि उससे मिलना मतलब अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना होगा। और श्रद्धा भाभी ने ना मुझे उससे मिलने के लिए मना किया है कि अगर मैं कुणाल से मिली तो घर में हमारे बारे में सबको सच बता देंगी। तुझे पता है कल तो उन्होंने मुझे कुणाल से फोन पर बात करते हुए पकड़ लिया होता। बाल बाल बची मैं। आरती, तू ना बहुत ज्यादा सोच रही है, और श्रद्धा को संभालने के लिए मैं हूँ ना। तू जा और बस आराम से मिल कुणाल से। यार सोनिया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आरती तू देख, यही वक्त है ये सब करने का, ठीक है? तो तू जा आराम से उससे खरीदारी करवा, तभी तो पता लगेगा ना कि तेरा अमीर बॉयफ्रेंड कितना प्यार न्योछावर करता है तेरे ऊपर। एक सेकेंड रुक, मैं बताती हूँ कि तू क्या पहन के जाएगी कुणाल से मिलने। मुझे ना सच में बहुत डर लग रहा है, अगर श्रद्धा भाभी ने इस बार हमें साथ में पकड़ लिया ना तो मैं नहीं बचूंगी। तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है जब मैं कह रही हूँ कि मैं हूँ तो? तू सच में श्रद्धा भाभी को संभाल लेगी? हाँ बाबा, पक्का मैं तेरी श्रद्धा भाभी को संभाल लूंगी। और वैसे भी देख, तुझे अब ये मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि आज सारे घर वाले मंदिर जा रहे हैं शाम को, तो तू जल्दी से अपना कॉलेज खत्म कर और उसके बाद 5 बजे मिल ले कुणाल को। हे भगवान, ये कमरा तो जैसे खंडहर बन गया है। अरे श्रद्धा कहाँ हो, जल्दी आओ भाई। आई मम्मी जी। इतना धूल, हे भगवान, ये जाले तो देखो, क्या हालत हो गई है इस कमरे की भाई। इतने दिनों से कोई आया नहीं है, तो सफाई भी नहीं हुई है। देख रही हो तुम क्या हालत है इस कमरे की? आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। भगवान
श्रद्धा, श्रद्धा तुम ना बाहर के कामों को छोड़ो और जरा घर के कामों पे ध्यान दिया करो। अरे तुम्हारे समाज सेवा के चक्कर में घर में कचरा इकट्ठा हो रहा है। अरे ऐसे में कैसे पधारेंगी लक्ष्मी जी यहाँ बताओ? और वैसे भी हमने अनुज जी से कह दिया है कि नए साल में इस घर की सफाई तुम ही करोगी। तो एक काम करो, आज शाम से ही श्री गणेश करो, वो भी इसी कमरे से, ठीक है? मम्मी जी, आज शाम से? हाँ, तो और क्या? अच्छा, मतलब तुम्हारा कैलेंडर इतना भरा हुआ है कि रोज का हिसाब लेने के लिए हमें तुम्हारी अनुमति लेनी पड़ेगी? नहीं नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं कर लूंगी और नए साल के आने से पहले पहले आपको सारे कमरे साफ मिल जाएंगे। ठीक है। और श्रद्धा, हम समझ सकते हैं कीर्ति को लेकर जो भी फर्ज हैं तुम्हारे बड़ी बहन के, लेकिन एक बात मत भूलना कि तुम इस घर की बहू हो और अभय की पत्नी हो, और तुम ना यहाँ रहती हो, नीचे नहीं। कहीं वहां के रिश्ते सुलझाते सुलझाते यहाँ के रिश्ते ना उलझ जाए। उलझ गए हम आपके साथ इस रिश्ते में आपकी बीवी बनके, अरे अपनी मर्जी से बिना आपसे पूछे हम कुछ नहीं कर सकते। एक फोटो शूट कराने का मन है हमारा, लेकिन आप नहीं चाहते, इसीलिए हम नहीं कर सकते बिना किसी वजह के। लेकिन वरुण जी, आपको क्या लगता है, आप हमें रोकेंगे तो हमारे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे? आप हमें अभी तक जानते नहीं हैं। नैना भाभी, नैना भाभी, आप यहाँ आराम से बैठकर पूजा की थाल सजा रही है और वहाँ पूरे कानपुर में पता नहीं हमारा घर कौन से तरीके से सज रहा है। रितु, क्या हुआ, क्या बोल रही हैं आप? बोलने को बचा क्या है अब भाभी, लीजिए देखिए खुद ही अपनी आंखों से। जी, ये कैसी तस्वीरें हैं, हमें नहीं देखनी। भाभी, अपनी आंख पर पट्टी बांधने से ना पूरा कानपुर अंधा नहीं हो जाएगा। और ये लड़की भी कमाल है, उसे जरा भी शर्म नहीं है। उसे पता है कि हर रोज उसकी वजह से कोई ना कोई इस घर में कांड होता है, लेकिन मजाल है कि जरा सी उसमें शर्म हो? नहीं, हर रोज उसको करना होता है नया कांड। कीर्ति से ना पश्चाताप की उम्मीद तो मैं पहले ही नहीं थी, लेकिन अब ये सब। जी 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 भाभी, देखिए लोग नई फोटो देखकर क्या क्या लिख रहे, देखिए पढ़कर सुनाते हैं हम आपको। तुम इतनी सुंदर हो, कभी आओ हवेली पर। हुस्न है सुहाना, आपके इश्क में होना है दीवाना। छी, रितु, आप सबसे पहले ना ये टॉक टॉक बंद कीजिए, कीर्ति को तो हम संभालेंगे। अच्छा, वरुण को फोन कर रही है। अच्छा कीजिए, अब हम भी देखते कि उसकी बड़ी बहन अपनी ये बिगड़ेल चुटकी को ना कैसे बचाती है। श्रद्धा, सोनिया, मुझे ऑफिस के लिए ना बहुत देर हो रही है, मैं तुमसे शाम को आकर बात करती हूँ। श्रद्धा, अब मुझे लगता है कि तुम्हें ये बताना ही ठीक रहेगा। क्यों, क्या हो गया? आरती के लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तुम खुद ही देख लो उसने क्या लिखा है। आज शाम 5 बजे मिलते हैं, हमेशा जहाँ मिलते थे। अरे वो तो शाम 5 बजे अपनी दोस्त सारिका से मिलने जा रही है, तो इसमें क्या गलत है? श्रद्धा, वही तो मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि, अच्छा रुको, तुम खुद ही सुनो, अब तुम खुद ही सुन लो स्पीकर पे कि आरती की दोस्त सारिका है या कोई और। बोलो मेरी जान, मिल रहे हैं ना शाम को? हेलो आरती, मेरी फ्रेंड है ना सारिका, उसी का फोन था, उसे मुझसे नोट्स चाहिए थे तो बस इसीलिए। देख रही हो वो कैसे तुमसे और घर वालों से झूठ बोल रही है। मैं उससे आज आकर बात करती हूँ। बोलिए,
ऐसा क्या जरूरी बात करना था कि आप लोग को यहाँ आना पड़ा? भाभी की आंखें शर्म से झुक गई है तो वो गुस्से में नहीं बोल पाएगी, तो हम बताते हैं। बताते नहीं है, तुम्हारी करतूतें दिखाते हैं। अरे ये क्या हो गया, इसका पन्ना कहाँ चला गया, हम क्यों नहीं देख पा रहे? क्या हुआ बुआ जी? हमें ना आपसे यही उम्मीद थी कि आप हमारा वीडियो दिन भर देख देख के हमारी बुराइयां सबके पास करती हैं, इसीलिए हमने ना आपको ब्लॉक कर दिया। क्या? हाँ, आप सबको हमारे खिलाफ भड़काती हैं ना, तो ये मौका हमने आपसे छीन लिया। देख रहे भाभी, इसकी बेइज्जती हम इसको नहीं छोड़ेंगे। रितु, अब शांत हो जाइए। कीर्ति, आप अपनी हरकतें खुद भी देख समझ पाती हैं या नहीं? इतनी बेहुदा हरकत आप कैसे कर सकती हैं? अब सिर्फ कानपुर ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है कि त्रिपाठी खानदान की बहू ने कैसी कैसी फोटो डाली है। हम दुनिया की पहली बहू नहीं जो ऐसी तस्वीरें डाल रहे हैं, और हमें पता था कि आप लोग ना रोका टोकी करेंगे, इसीलिए ना बुआ जी हम घर छोड़कर यहाँ आए थे वरुण जी के साथ, ताकि हम खुशी से जी पाए। पर नहीं, हमारे घर के मामलों में आप लोगों को अपनी टांग डालनी डालनी। बिल्कुल चुप। आपको वरुण ने मना किया था या नहीं ये सब करने से? झूठ तो बोलिएगा ही नहीं। और ये सब करके आप साबित क्या करना चाहती हैं? हाँ, एक तो सबसे पहले आपकी वजह से हमारा खानदानी हार खोते खोते बच गया, लेकिन उसके बाद भी आप कोई कसर नहीं छोड़ती हर रोज एक नया तमाशा करने के लिए, और आप हमको शांति से। हेलो, हाँ हम आ रहे। नहीं नहीं, वो अचानक से एक बेकार सा अड़ंगा आ गया था हमारे घर पे, पर अब सब ठीक है, हम आते हैं। अब देखिए, हमें ना बहुत जरूरी काम है, तो आप लोग प्लीज अपने अपने घर जाइए। ये हमारे बेटे का घर है, और यहाँ से जाने के लिए वो खुद भी हमें कभी नहीं कह सकते। तो जब तक आपके बेटे यहाँ नहीं है, इस घर के फैसले हम लेते, उस पे हमारा हक है। तो अभी आप दोनों यहाँ से निकलिए। आने दीजिए वरुण को, अब आपका फैसला ना वही करेंगे। ठीक, तब तक हमारे घर की चौखट पे आप लोग आने की तकलीफ मत करिएगा। श्रद्धा रुको, मुझे लगता है कि अभी बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो अभी 10 झूठ और बोलेगी। ओफो, ये फोन तुम्हारे पास है? मैं कब से अपने कमरे में ढूंढ रही हूँ, एक कोना छान के ना थक गई मैं। लो फोन दो मेरा। हाँ, वो तुम्हारा और हमारा फोन एक जैसा लगता है, तो शायद गलती से उठा लिया होगा। मैं जा रही हूँ कॉलेज, वरना लेट हो जाऊंगी मैं। आरती, हाँ क्या हुआ? तू आज शाम को मंदिर चल रही है ना हमारे साथ? ये कैसा सवाल है सोनिया, और मुझे मंदिर जाने की क्या जरूरत है? और तुम्हें तो पता है ना, आज मैं वैसे भी मैं तो एक्स्ट्रा क्लास के लिए जा रही हूँ, मेरी एक्स्ट्रा क्लास है ना आज कॉलेज में। पर तुझे तो पता है ना आज घर वालों के लिए कितना बड़ा दिन है, तो आज क्लास छोड़ देना। मेरी बहुत इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्लास है, तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, तुम्हें पता तो है। मैं लेट हो जाऊंगी, मैं जा रही हूँ। देख रही हो ना, अब तो वो मेरी भी नहीं सुनती है, मैं कैसे समझाऊं उसको कि वो गलती कर रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है श्रद्धा, कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मुझे लगता है तुम्हें ही उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम खुद जाके उस लड़के से बात करो ना। श्रद्धा, मैं निकल रहा हूँ, तुम भी वक्त पे आ जाना, देर मत करना। मुझे भी कुछ काम है तो मैं वो कर लेती। हे माता रानी, अब क्या करूं? अभय के साथ देर हो गई तो कहीं बात ना बिगड़ जाए, और डर इस बात का है कि अगर आरती को नहीं रोका तो कुछ बड़ा ना बिगड़ जाए। अब आप ही बताइए,
क्या करूं, कैसे इन दोनों को संभालूं? तुम जैसे लड़के लड़कियों से क्या मॉडलिंग का काम करवाते हो ये मैं अच्छे से जानती हूँ। आपके ऊपर ये धमकी उनकी ना सूट नहीं करती, इस बात को आप थोड़ा प्यार से भी बोल सकती थी। अरे मुझे क्या मारा, जब खुद की बीवी समझती नहीं तुझसे। अरे इसी ने बुलाया मुझे यहाँ पे। तुम्हारी ये जो बीवी है ना, पीछे पड़ी हुई है मेरे।